अगर आप ट्रू बैलेंस नाम की लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपसे एक ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से आपका पूरा खाता जो बैंक अकाउंट है वो पूरा साफ हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रू बैलेंस नाम की जो लोन एप्लीकेशन है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इस एप्लीकेशन में क्या क्या चार्जेस आपसे अप्लाई किए जाते हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के इस लोन के अलावा और क्या क्या ये फीचर प्रोवाइड करवाती है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सारी वीडियोस को वॉच कर पाएँ। साथ साथ दोस्तों, आपसे बहुत सी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हर वीडियो में, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, डेली एक रील पोस्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं स्टॉक टिप्स डालता हूँ। तो अगर आपको अच्छी स्टॉक टिप्स चाहिए, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक भी डालूंगा ऊपर आई बटन में, तो वहाँ से आप वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज़ जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो प्रो फीचर्स है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के जो प्रो फीचर्स हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं। तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इस एप्लीकेशन के, इस प्लेटफॉर्म से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो क्या क्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इसके प्रो फीचर्स में मैं बताऊं, ये जो एप्लीकेशन है ये कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ लोन एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना तो सिर्फ एक इनका फीचर है। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है ये एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से फ़ोनपे और पेटीएम है जहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसी तरीके से ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आप अपने सारे रिचार्जेस कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट पेड प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच यानी कि अपने टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली पानी के गैस के बिल आप यहां से पे कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट आप यहां से करवा सकते हैं, और इसके अलावा आप यहां से गोल्ड भी खरीद सकते हैं और साथ साथ आप यहां से इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ लोन एप्लीकेशन नहीं है। हालांकि इसका जो प्रमोशन किया जा रहा है वो ज़्यादातर एक एज ए लोन प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। अब इस चीज़ के पीछे इनकी क्या स्ट्रेटेजी है ये मुझे भी खुद समझ में नहीं आई। हालांकि होने को ये प्लेटफॉर्म एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है लेकिन इसे प्रमोट कर रहे हैं एज ए लोन एप्लीकेशन। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे देखेंगे वहां पर ट्रू बैलेंस नाम से सर्च करेंगे तो ट्रू बैलेंस आता है, उसके पीछे लिखा हुआ था है एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन। जबकि पर्सनल लोन तो सिर्फ एक इनका छोटा सा फीचर है, इसके अलावा बहुत सारे वाइड डाइवर्स फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो एप्लीकेशन है गाइस, इस एप्लीकेशन की जो ओनर है वो एक कंपनी है, आरबीआई की ऑथराइज्ड कंपनी है, उस कंपनी का नाम है बैलेंस हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक एनबीएफसी है और इस एनबीएफसी की एक सब्सिडरी है जो एक लोन प्रोवाइड करती है हमको, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको जब आप रिचार्ज करते हैं अपने डीटीएच का मोबाइल का तो वहां पर आपको कुछ कैशबैक्स मिलते हैं, तो उन कैशबैक्स का आप यूज कर सकते हैं। ये कैशबैक 0 से 2% तक के होते हैं, उनको आप अपने फ्यूचर रिचार्ज में, पेमेंट्स में, हर तरीके से आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन से आप कई तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं। आप जब यहां पर स्पेंडिंग करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ फ्री पॉइंट्स मिलते हैं, उनको भी आप रिडीम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहां पर रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में यहां पर क्या है दोस्तों, 5% तक का आपको कमीशन मिलता है। अगर आप मान लीजिए अपने फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को आप इसे रेफर करते हैं और आपका फ्रेंड यहां से लोन ले लेता है तो गाइज वहाँ पर 2% ऑफ द लोन अमाउंट, जैसे मान लीजिए अगर उस बंदे ने 50,000 रुपये का लोन लिया तो 50,000 रुपये का 2% यानी कि 1,000 रुपये तो आपको लोन डिसबर्सल के टाइम पे मिल जाते हैं, और बाकी का 3% यानी कि 1,500 रुपये वो मिलेगा आपको जब आपका जो फ्रेंड है वो लोन को रिपे करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे वो ईएमआईज पे करेगा तो उन ईएमआईज के साथ साथ ही आपको भी वो पैसा, आपका जो कमीशन है वो पैसा आपको मिलता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कई तरीके से कमाई भी कर सकते हैं, कैशबैक्स के थ्रू, फ्री पॉइंट्स के थ्रू, और यहाँ पर ये जो कमीशन है लोन का उसके थ्रू। अब गाइज हम बात करते हैं इसके जो लोन फीचर्स है उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पर ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं ये इनकी एक सब्सिडरी है, सो उस सब्सिडरी के थ्रू ये लोन प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम है ट्रू क्रेडिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बैलेंस हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, इसी सब्सिडरी के थ्रू ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। ये आरबीआई रजिस्टर्ड सब्सिडरी है, एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फेयर है और जेन्युइन है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं,
आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो भी बाद में बात करेंगे, अभी मैं जस्ट इसके जेन्युइनिटी के बारे में बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है। लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैं भी फाइनल कंक्लूजन दूंगा आपको, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर हम इतना जान लेते हैं कि ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो तीन तरीके के लोन ये प्रोवाइड करते हैं। पहला जो लोन है इनका वो वेलकम लोन है, वो 7,000 रुपये का लोन ये प्रोवाइड करते हैं वेलकम लोन में। इसके अलावा ये लेवल अप लोन देते हैं 15,000 रुपये का, और मैक्सिमम जो लोन है इनका मैक्सिमम कैश लोन वो है 50,000 रुपीज़ का। अब ये तीन कैटेगरीज में इन्होंने अपने लोन्स को डिवाइड कर रखा है, तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा टेन्योर भी अलग है, तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा इनका इंटरेस्ट रेट्स भी अलग अलग हैं, हल्का हल्का इनकी जो प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस है उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक रेंज बताने वाला हूँ, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है इनकी, जो मोबाइल ऐप है, वो ऐप में इनकी वो ऐप कैसा है, क्या रेटिंग है इस बारे में। तो इनका जो मोबाइल ऐप है उसकी 4.4 स्टार की रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है, और जो इसके डाउनलोड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, यानी कि करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, और करीब करीब 1 मिलियन यानी कि करीब करीब 10 लाख लोगों ने इसे रिव्यू किया है। तो वो रिव्यूज़ को भी पढ़ाया भी जानेंगे उनके बारे में भी। तो इस तरीके से जो उनका मोबाइल ऐप है ये काफ़ी अच्छा फेयर मोबाइल ऐप है, इसका यूज़ करके आप 5 मिनट के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये खुद कहते हैं। अभी हम इसका हकीकत सच्चाई वो कौन से पार्ट में जानेंगे, डिसएडवांटेजेस में जानेंगे उस बारे में। तो गाइस अब वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि तीन कैटेगरीज में ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली जो कैटेगरी है वहाँ पर वेलकम लोन की कैटेगरी है, वहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है। अगर आप लेवल अप लोन लेते हैं तो भी आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही चाहिए होगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम लोन लेंगे, कैश लोन लेंगे 50,000 रुपीज़ का, तो वहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है इन्होंने, सिर्फ सिंपल रखा है कि 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा की आपकी एज होनी चाहिए, और आप एक इंडियन नेशनल होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इन कंडीशंस पर, इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कॉन्स के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में। गाइस यहां पर जो ये ट्रू बैलेंस नाम की एप्लीकेशन है इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट है। ज़्यादातर लोगों के जितने भी रिव्यूज़ हैं मैंने प्ले स्टोर पर देखे हैं वो सब भी यही कह रहे हैं बार बार कि इनका जो लोन है, जो इंटरेस्ट रेट है और जो प्रोसेसिंग फीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। खुद मैंने भी देखा है दोस्तों, 5% से लेकर के 12% तक ये मंथली, 5 से 12% का मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 5% का मतलब है सालाना 60% की रेट हो गई, और 12% पर मंथ का मतलब है 144% सालाना, 150%। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं और आप अगर इस लोन को थोड़ा सा लेट कर देते हैं तो लेट फीस और जो इनके पेनल्टी चार्जेस हैं उन सब को मिला करके इतना सारा पैसा आपको देना पड़ सकता है। कई सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं जहाँ पर वहाँ पर 10,000 रुपये का लोन भी अगर किसी ने लिया है तो वहाँ पर उसको 17-18 हज़ार रुपये रीपे करने पड़े हैं, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर, वो भी जब वो बंदा टाइम से लोन चुका रहा था। तो इस तरीके से आप खुद सोच लीजिए, अगर आप लेट कर देंगे तो हो सकता है आपका जो सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है सारा आपको भरना पड़ जाए, तब भी आपका ये पूरा लोन रिपे नहीं हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहिए, ये जो एप्लीकेशन है इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है। प्रोसेसिंग फीस को दोस्तों इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर किया है, जिस तरीके से ये लोन्स 3 अलग अलग कैटेगरी में लोन दे रहे हैं, तो जिस कैटेगरी में सबसे कम यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है वो कैटेगरी है मैक्सिमम लोन, यानी कि जब आपको अगर 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है तो उस केस में 0 से 7% तक की प्रोसेसिंग फीस और जो अदर चार्जेस हैं वो लगते हैं। इसके अलावा अगर आप लेवल अप लोन लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चार्ज देना होगा वहाँ पर, 0 से 15% के बीच में आपको वहाँ पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर आप वेलकम लोन लेते हैं तो 0 से 10% का आपका ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगने वाला है। अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 1,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस लगने वाले हैं, लेकिन इसमें लेट फीस पेनल्टीज वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस, कन्वीनियंस फी, प्लेटफॉर्म फीस, ये सब चीज़ें आप इनको कह सकते हैं, वो चार्जेस हैं ये सिर्फ, लेट फीस पेनल्टीज वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके बाद इनकी जो दूसरे डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात करें तो एक पॉइंट इन्होंने खुद अपने वेबसाइट पर शो कर रखा है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपको बताने के लिए। तो इन्होंने शो कर रखा है कि जब आप इनके प्लेटफॉर्म से कुछ पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर 3% का चार्ज लगता है। अगर आप 1,000 रुपये को वहाँ पर चार्ज 1,000 रुपये को ट्रांसफर करेंगे तो 30 रुपये, 100 रुपये पर 3 रुपये आपको वहाँ पर चार्ज देना होगा जब आप अपने पैसे को इनके ऐप से, मोबाइल ऐप से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये जो पैसा है क्या ये पैसा आपका लोन का अमाउंट है? जी नहीं,
ये लोन का अमाउंट नहीं होना चाहिए। मुझे खुद नहीं पता क्योंकि इन्होंने प्लेटफॉर्म पर कहीं शो नहीं कर रखा है। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मुझे सपना नहीं आता कि मैं सोच करके खुद ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल के ले आऊँगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कहीं शो नहीं कर रखा है। और दोस्तों मैंने जो रिसर्च की है अपने बेसिस पर, मैंने इनकी वेबसाइट पर रिसर्च की है, इनके मोबाइल ऐप को मैंने डाउनलोड करके उसको मैंने देखा है, समझा है। इसके अलावा मैंने प्ले स्टोर पर इनके कमेंट्स को, रिव्यूज़ को पढ़ा है। तो ये सब मैंने रिसर्च करी है और सारे ही वीडियोज़ में मैं यही रिसर्च करता हूँ। तो इस रिसर्च के बेसिस पर मुझे ये चीज़ कहीं पता नहीं चली कि जो 3% चार्ज लेने वाले हैं ये कौन से पैसे पर लेने वाले हैं। बट आई होप कि लोन अमाउंट है आपका, लोन अमाउंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो लोन अमाउंट आपका सीधे बैंक अकाउंट में ही आएगा। ये जो 3% का चार्ज है, इसके वॉलेट में जो पैसा आएगा, आप जो फ्री पॉइंट्स अर्न करेंगे, जो कैशबैक्स अर्न करेंगे या जो रेफरल कमीशन आप अर्न करेंगे, उसको अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर लगने वाला है। तो उस पैसे के ऊपर ये लोग 3% चार्ज करने वाले हैं और जो लोन अमाउंट है आपका वो पूरा बैंक अकाउंट में सीधे आना चाहिए। अब गाइस जो इनके अदर डिसएडवांटेजेस हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहीं बाउंस चार्जेस, अपने पेनल्टी फीस, फोरक्लोजर चार्जेस, लेट फीस और रीपेमेंट के मेथड्स या रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है, कौन सी डेट को आपको ईएमआईज पे करनी होंगी, क्या आप अपनी ईएमआईज को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर आप टाइम से पहले लोन चुकाएंगे तो आपको कुछ पेनल्टी चार्ज वगैरह तो नहीं देना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहीं नहीं बताई हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सिर्फ लोन एप्लीकेशन एज अ लोन एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं खुद को, बल्कि ये है एक कंप्लीट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने रिचार्जेस कर सकते हैं। हालांकि फोन पे और पेटीएम की तरह अभी उनका स्कैनर वाला फीचर नहीं आया है कि आप किसी कोड को, बार कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएं, लेकिन सारे फीचर वही हैं और उसी लाइन में ये जा रहा है फोन पे और पेटीएम के। अगर आप कहेंगे कि फोन पे पेटीएम से मैं इसे कंपेयर करूं उसके, क्योंकि फीचर्स भी ज्यादातर वही हैं, तो अगर आप कमेंट में बताएंगे मुझे तो मैं इसे फोन पे पेटीएम से भी कंपेयर करके इसके बारे में एक वीडियो ले आऊंगा। बट फिलहाल अगर हम बात करें कि लोन एप्लीकेशन के बारे में, तो दोस्तों लोन एप्लीकेशन के बारे में एफएक्यू सेगमेंट में भी मुझे कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं मिला, ज्यादा कोई चीज़ उन्होंने बता नहीं रखी अपने प्लेटफॉर्म पर। अब इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स जो मुझे कमेंट्स में, रिव्यूज में देखने को मिली, उनमें से ये है दोस्तों के यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोन लेते हैं और आप अपना टाइम टू टाइम अपना लोन आप रीपे करते रहते हैं, तो जनरली होना चाहिए कि आपका जो लोन है, आपका जो लिमिट अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दिया जाना चाहिए। कई लोग चाहते भी हैं ऐसा, शुरू में अगर आपको वेलकम लोन एज ए वेलकम लोन 7,000 रुपये का लोन मिल रहा है तो आप चाहेंगे कि मुझे मैं अपना लोन रीपे कर दूं और अगली बार मुझे 15,000 रुपये का लोन मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम लोगों के साथ आ रही है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको लेवल अप लोन नहीं मिल रहा है। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है, हर बंदे को हो सकता है मिल भी जाए, बट किसी के साथ हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अगर टाइम टू टाइम अपना प्रीवियस लोन रिपे भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनको लेवल अप लोन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कि जो उनको लोन डिसबर्सल का टाइम है वो 3 से 4 दिन का लग रहा है, यानी कि ये कह तो रहे हैं कि हम 5 मिनट में पर्सनल लोन आपका डिसबर्स कर देंगे, आपके खाते में पहुंचा देंगे, लेकिन 3 से 4 दिन का टाइम भी कई लोगों को लग रहा है उनके बैंक अकाउंट में लोन रिसीव करने में। इसके अलावा जब आप अपनी ईएमआईज को अपडेट करते हैं तो भी लोगों को कई टाइम लग रहा है, वहाँ पर 2 से 3 महीने तक का टाइम लग रहा है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हर प्लेटफॉर्म पर आती हैं, अभी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं, सब अपडेट हो रहे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये जो प्रॉब्लम्स है जो अपडेशन की या लोन डिस्पर्सल में जब टाइम लगता है, तो ये किसी के साथ ही प्रॉब्लम्स आती हैं और जनरली दोस्तों ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर रहती ही हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर भले ही आप चले जाएँ। हाँ, अब हम बात करें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में यहाँ पर ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे लगी कि लेवल अप लोन ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो अब फाइनली हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज आप मेरा फंडा जानते हो यार, आपको पता है कि मैं वही एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूँ जहाँ पर एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो और दूसरा ट्रांसपेरेंसी हो, जो एप्लीकेशन अपने वेबसाइट पर, अपने ऐप पर, एफएक्यू सेगमेंट में या कहीं पर भी प्रोसेसिंग फीस, कन्वीनियंस फी, बाउंस चार्जेस, लेट फीस, पेनल्टीज, फोरक्लोजर चार्जेस, ईएमआईज के शेड्यूल, रीपेमेंट के मेथड्स, ये सब चीज़ें, ये सब सारी ट्रांसपेरेंसी अगर वो जन मेंटेन करके चलते हैं, उसी प्लेटफॉर्म को मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर ये क्यों सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मैं ट्रू बैलेंस नाम की एप्लीकेशन को, लोन ऐप को या जो भी फिनटेक प्लेटफॉर्म ये है, मैं इसे रिकमेंड नहीं कर सकता। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो फेवरेट लोन एप्लीकेशंस हैं उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस हैं।
और ये जो फीचर्स हैं वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ज़्यादा मिलेगी, तो जाकर के आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको लोन नहीं लेना है, आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज आपको एक चीज़ बता दूँ कि लोन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। लोन लेने से आपको एक हैबिट पड़ती है, आप लोन की जगह इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए। नीचे मैंने लिंक दे रखा है अपस्टॉक्स का, वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट बनाइए और अपने छोटे मोटे जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उसको जाकर के अपना डीमैट अकाउंट में सेव कर दीजिए। फ्यूचर में आपके जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके पैसे पर आप इंटरेस्ट जनरेट कर पाएंगे और अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज़ जाकर अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट बनाइए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और आप इसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का, जाकर के प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और वहाँ पर मैं डेली इंस्टाग्राम पर डेली मैं एक रील पोस्ट करता हूँ जहाँ पर आपको डेली एक स्टॉक टिप मिलती है। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे वहाँ पर। इसी तरीके की वीडियोस मैं हर संडे और वेनसडे दोपहर 12 बजे लेकर के आता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट संडे वेनसडे को दोपहर 12 बजे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।